जा ए भाई ये कौन है? भाई ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। भाई मत कर भाई, ये भाई क्या कर रहा भाई? अरे भाई मर जाऊंगा भाई। ए भाई तू टेंशन मत ले। अरे क्या टेंशन मत ले, मार देता अभी तू मेरे को यार। ये समझ दिखा क्या दिख। अरे श्रीमान जी एक गाना याद आ रहा है मुझे। ओ कौन सा? तो ये रिक्शा वाला टना ना 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 वक्त तो है रिक्शा वाला आगा तू वाला ना वाजवली घंटी आवाज ऐकून उठला बंटी। भाई रुको लोल जो फौजी भाई बैठो। तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार जैसा कि आपको पता है कि बीजीएमआई की लॉन्च पार्टी चल रही है और उस लॉन्च पार्टी में तुम्हारा भाई भी खेल रहा है, लेकिन लॉन्च पार्टी में सबसे मजेदार मैच कौन सा है? जी हाँ वही जिसमें हम 64 यूट्यूबर्स एक दूसरे को पेन से मार रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डे 1 का फर्स्ट मिली वेपन मैच, जिसे देख के मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मजे टाइप का जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पर फिलहाल जरा ये सुनो। हेलो 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 हेलो। और भाई साहब गैस करो ये कौन है? जॉनी। तो मैं तो भाई सबको छोड़ के जॉनी के पीछे पड़ जाता हूँ और इनके साथ हेलीकॉप्टर में घूमता हूँ। उधर भाई हेलीकॉप्टर डाल दूंगा। टीम अप smile if you want to marry me. No. गोली भी ना चलाओ बंक। तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता हूं। दिमाग से सोचेगा ऐसा क्यों लिखते हैं मैं सकता। खुद पे क्यों छोटा लपेट को मैं डिस्को करूं का डिस्को एमसे डिस्को आई ले सकता मात्रा मतलब तुम्हारी वजह से जेब जाएगा तुम्हारा। एचडी में पीछा बना भाई सो जा कोई बात नहीं, इससे गुस्सा मत कर, सो जाओ भाई। गुड नाइट भाई। कूद जा, टाइम हो गया कूदने का। निकल वहाँ से जो सिटी जाना है। अबे कहाँ भाई, किधर जाना है? किधर पीछे वाली मिया वेयर ब्रो कहाँ जा रहा है? जॉर्ज बिल के पीछे वाली जा रहा है गटका। आना सिटी आना। अरे डरता हूँ क्या? जाना सिटी। अरे तू आना। तो भाई लोग यूट्यूबर्स भी ऑल में ऐसी बख्याती करते हैं जैसे आप लोग। तो जो कोई भी सोच रहा था कि यूट्यूबर बड़े सज्जन तरीके से खेलते हैं, तो नहीं भैया, हम भी लौंडे हैं और ऊपर से सिंगल। ना किसी के प्यार में रोते हैं, ना किसी के ख्वाबों में खोते हैं। सिंगल लौंडे हैं जनाब, 1.5 GB डाटा खत्म करके सोते हैं। Naughty America। अरे हरामी हो। खैर ये पहला मैच था, तो मैं बोलता हूँ भैया एक काम करते हैं, सेफ उतरते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं उतरा होगा। तो इस वजह से मैं रियून्स में उतर जाता हूँ और फिर लूटा लाटी कर ही रहा होता हूँ। उतना ही में मुझे फुटसट ऐप आती है। खैर भागा भोगी करने के बाद मैं इस तरह पाता हूँ और तभी मुझे दूर एक बंदा दिखता है। शायद ये वो ही था जिसकी फुटस्टेप आई थी। तो मैंने सोचा कि भाई के साथ टीम अप कर लिया जाए, तो मैं उचकने लगा। लेकिन यार इसके लक्षण देख के लग रहा है कि ये भाई टीम अप के मूड में नहीं है। तो मैंने कहा भैया पतली गली निकलो यहाँ से, क्योंकि अपन को शुरू में नहीं मरना है। और फिर किस्मत से मुझे यहाँ पे एक गाड़ी दिख जाती है। कितना ढीठ है बे, गाड़ी में बैठ गया हूँ फिर भी पैन मार रहा है। खैर यार पहले मेरे को रूल्स नहीं पता थे कि भैया गाड़ी से भी कुचल सकते हैं, इसलिए यार इसको मैंने सलमान भाई की तरह फुटपाथ में कुचला नहीं। अगर ये पता होता तो किल की बोहनी इस ही बंदे को निपटा के करता। खैर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ और तभी यहाँ पे दो चार ठो लौंडे दिखते हैं तो मैं बोलता हूँ भैया इनको छोड़ो, दोस्ती पक्की, खर्चा अपनो अपनो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, सबसे पहले जोन में चलो। और फिर जोन में आने के बाद मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे तो भैया फुटपाथ में भी कुचला जा रहा है, मतलब मिली वेपन बस नहीं, हम गाड़ी से भी कुचल सकते हैं। अबे ये क्या है? स्काउट ने गन से मारा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अबे ये मिली वेपन वाला मैच है या फिर मेरी को बस गन नहीं मिली? खैर अब गन चलने लगी तो फिर मैंने सोचा कि भैया ये खुला गाड़ी जानलेवा है, इसमें तो भैया आराम से कोई भी नॉक कर सकता है। और तभी मुझे यहाँ पे ये गाड़ी दिखती है तो मैं बोलता हूँ यार इसे उठा लेते, बंदा है उसपे। खैर यार ईंधन फिर से बहुत ज्यादा कम हो गया था और तभी मुझे ये सैक में बग्गी दिखती है और बग्गी एवरेज भी ज्यादा देती है तो मैंने सोचा यार कि अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए, तो पहले मैं चक्कर लगाता हूँ और फिर जब मेरे को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है तो मैं जाता हूँ। साले भाई साहब गोडल घातक ने हाइडर डायनेमो को मार दिया, वो भी ग्रोजा से। ये रिश्ता क्या कहलाता है, घातक भाई ग्रोजा से पेटी बनाता है। आखिर भैया ग्रोजा मिली कैसे? ओ ये ड्रॉप पड़ा है, इससे उठा ली होगी। अब यहाँ पे किसके पास गन है और किसके पास नहीं कोई भरोसा नहीं भैया, इसलिए किसी से भी टीम अप करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए पहले तो मैं दूर दूर घूम रहा था। लेकिन यार जब मैं नीचे पेट्रोल में नजर डाल रहा था ना तो फिर ऐसा लग रहा था कि टीम पर ही एक सहारा है जिससे मैं बच सकता हूँ। तो फिर मैं लौंडों के पास जाता हूँ और बोलता हूँ टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप। टीम अप में मैं भरोसा नहीं करता ब्रो, नो भरोसा मत करो, नो भरोसा, लड़ाई मत कर। अरे यार भाई कर ले भरोसा यार प्लीज, गद्दारी नहीं करूंगा माँ कसम। आजा जोन में गाड़ी खड़ी कर देते, आजा जोन में गाड़ी खड़ी कर देते, बस कवर बनाए। और यहाँ पे फाइनली ये लोग टीम अप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बीचों बीच खड़े रहूंगा भाई। चल 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 मैंने भी लगा दी, बस बस पूरी लाइन बना देगा, लाइन बना देगा, स्ट्रेट लाइन पूरी लाइन बना दो भाई, लाइन बना दो ब्रो। भाई पंख देख, ऐसा गद्दारी मत करना ठीक है, अब भी बोल रहा हूँ साले, लाइन बना। ओए अबे तो मार रहा वेंचुन। अब यार हमारा एक टीममेट मारा जाता है लेकिन मेरे को मिलता है मौका, तो मैं बोलता हूँ भैया चौका तो मारना पड़ेगा, तो मैं फटाक से ये बग्गी उठाता हूँ और फिर यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। लेकिन भाई टीम अप में इधर में ओ भाई लूट मिल गया भाई। अरे भाई भाई साहब ये क्या हुआ? क्रिएटिव पवन ने क्लासिफाइड वाईटी को गन से मारा, लेकिन अगर आप गन को ध्यान से देखो तो भैया ये है अपनी बैरल, और ड्रॉप से तो बैरल आती ही नहीं है, तो फिर आखिर इस बंदे को बैरल मिली कैसे? ये राज भी उसी के साथ चला गया। टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप। भाई गन है उनके पास, हम गए। अब भाई लड़की की आवाज सुन के मैंने कहा भाई इसे नहीं छोड़ना है, इसी के साथ रहना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन फिर मेरे को ये आवाज जानी पहचानी लगी तो मैंने कहा काश प्लेस हो क्या? हाँ। आप कौन हो? मैं फौजी सीजे। अरे हाय। तो काश से थोड़ी सी वार्तालाप करने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। ओए नहीं ये इसको एक नंबर भाई, प्रो का गुरु लेजेंड का नाना, ये गाड़ी चला रहा था एक आशिक दीवाना। अब भैया क्रिएटिव पवन का यहाँ पे भौकाल सचा रहा था, क्योंकि वो सैक में बैठे बैठे गोली चला रहा था, तो इस वजह से मैं कसम खा लेता हूँ कि भैया नीचे की तरफ जाने नहीं है। कौन है भाई तुम्हारे कौन है? अरे नहीं भाई मारना नहीं ब्रो, मारना नहीं। राइट आजा पैर तो मना क्यों? तो मैं भी बैठी। क्या बोलती पब्लिक, क्या चल रहा भाई? आजा आजा चल रही है भाई, डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन आजा आजा। क्या करेंगे अभी, जरा बातें चल रही है वही एंड गेम। ठीक है करो करो करो। वो उतरने उतरियो मत भाई, मौत मौत उतरते ही वो ठोकरे देखेंगे भाई तुम आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ये क्या है बे, अबे शेख में बैठ के सबको मार रहा है। मजाक कर, पत्थर पे बैठा हुआ है देख, वहाँ पे वही है ना शायद मेरा रौनक भाई। वो देखो पत्थर पे वही है पंख, वो जो पत्थर पे बैठा है। उसकी गोलियां कम है, उसकी गोलियां कम है। अरे उसने जॉनी को ही मारा ना, जॉनी के इसमें से मिली होगी उसे। जॉनी भी रोजा चला रहा था, सबसे पहले तो स्काउट चला रहा था भाई, मेरे पीछे पड़ा मैं भाग गया। अबे मेरे को भी मारी है भाई, मैं मर जाता। मेरी गाड़ी के एचपी कम कर दी, हक दिया उसने। वो ड्रॉप है, अब जैसे ही ड्रॉप आया तो मैंने सोचा भाई मैं भी लूट लूं फिर जल्दी से पेलूंगा, लेकिन उतने ही में भैया ये बंदा आ गया और मैंने कहा निकलो निकलो। क्या बात है यार, और अब यहाँ पे ग्रोजा बैरल मशीन गन के साथ एक स्नाइपर भी आ चुकी थी। अबे कैसे आज डंडी आना है? आया हाँ जोन में ले ले। ये साइकिल वाले लौंडों का सही है यार, पेट्रोल भी खर्च नहीं हो रहा, बस पैडल मारो और बड़े आराम से सरवाइव कर लो। साला मेरे को तो साइकिल छोड़ो पट्टी तक नहीं मिली यार, 5 ठो बैंडेज बसे। मत 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 कुछ चढ़ा रहे भाई, लिए नहीं ले जा सकते बट डॉबी गिर के नौक भाई ये क्या है? ओवेस 2 पहियों पे 2 बग्गी चल रही थी बट इसको मार ये हटाओ ओवेस स्नाइपर। ये सामने वाला ये। अब भैया जॉन धीरे धीरे बहुत छोटा होता जा रहा था और मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बग्गी में सरवाइव कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि यार टीम अप कर लिया जाए। तो मैंने कहा टीम अप भाई, टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप। फ्यूल है भाई गाड़ी में, फ्यूल है और नहीं है भाई, नहीं है यार। अरे भाई तो फिर क्या काम तेरा, मारना मत टीम अप। खैर आपको पता है ये साइकिल वाला कौन है? ये है स्काउट भाई ओपी यार। ब्रो जल्दी ये ब्रो ओ भाई लोल्स ने स्काउट को पेल दी। ओवेस जो माफी मादर जो। अबे इसमें तो फ्यूल खत्म हो गया। घुमाता रहे। तू टेंशन मत ले भाई, तू टेंशन मत ले तू बस बैठे रहियो। जा ए भाई ये कौन है? भाई ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। भाई मत कर भाई, ये भाई क्या कर रहा भाई? अरे भाई मर जाऊंगा भाई। ए भाई तू टेंशन मत ले। अरे क्या टेंशन मत ले, मार देता भाई तू मेरे को यार। ये समझ दिखा, क्या दिखा रहा मेरे को तू? अश्लील कुछ नहीं दिखा रहा हूं। क्या अरे हिलवेड़ा करने साले भाई, जो भी हो तुम हिलवेड़ा करने दो भैया। लाइफ मैं देखना चाहूंगा आखिरी में जीतेगा कौन। फाइनली सर्कल छोटा हो चुका है, सब अपनी गाड़ी में बैठे और सबकी एचपी कुछ हद तक कम। और ये पायल ने फौजी सीजे गेमिंग को भी यहाँ पे खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट मुकाबला, जिसने किया मेरे को कुल्हाड़ी से घायल, उसका नाम था पायल। तो यार सीन ये होता है कि मैं पट्टी लगा रहा था तो मेरे को पता नहीं चला कि भाई कोई बंदा मेरे ऊपर, ओ सॉरी बंदी मेरे ऊपर एम लगा के बैठी है। पर कोई नहीं, पायल के हाथों मरा हूँ, चलता है यार उसके लिए इतना। फिलहाल डेथ रिप्ले देखते हैं। चल रही है। अरे भाई, ओ भैया ओ, अरे भाई भाभी भाई टेंशन मत लो, पीछे ले गाड़ी गाड़ी पीछे गाड़ी मैं तुमको बचाएगा भाभी भाई। इसको ओए पायल को कोई मत मारना। तो यार आज की इस वीडियो में तो इतना ही था, पर आज जो हुआ है कल इसका अपोजिट होगा। अब गैस करो कि वो क्या होने वाला है। चलो अच्छा मैं थोड़ी सी लीक दे देता हूँ। तो बिना गोली के करूंगा एक एक बंदे को घायल, क्योंकि कल साथ में खेलेगी मेरे साथ पायल। अब वो कैसे खेलेगी वो आपको कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल वाला मैच भाई साहब इससे 20 गुना ज्यादा मजेदार है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।